अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। आज जो हम दिखाने वाले हैं आपको है वह वलीमा मेकअप लुक, जो कि क्रिएट किया था हीना मेकअप स्टूडियो ने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले उन्होंने जो मेरे फेस पे लगाया था वो लगाया था टी ट्री ऑयल। लगाने के बाद उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अच्छे से मसाज कर लीजिए उसका। उसके बाद उन्होंने मेबेलिन का बेबी स्किन का प्राइमर लगाया था उन्होंने, उसके बाद उसका भी मैंने अच्छे से अपने फेस पे कवर कर लिया था। उसके बाद वो लगा रही थी कलर करेक्टर, जिसको उन्होंने बहुत अच्छे से ब्लेंड किया था। कलर करेक्टर वहाँ लगता है जहाँ डार्क एरियाज होते हैं, जो आपको एरियाज छुपाने होते हैं वहाँ लगता है, लेकिन उसको भी अच्छे से ब्लेंड करना इज़ अ की। उसके बाद उन्होंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया, ब्लेंड करते 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 उसके बाद उन्होंने पता नहीं क्या कर रही है वो मोबाइल में, समझ से बाहर है। अच्छा खैर, उसके बाद उन्होंने आई शेडोज लगाने से पहले आई जो है वो कंसील की थी, वो की थी मिस रोज़ के कंसीलर से, शेड है उसका बेज 2। उसके बाद उन्होंने नेकेड फाइव की पैलेट ली थी और उससे उन्होंने लिया था वाइट शेड से वो जो है आईज़ जो है वो कवर करेंगी, ताकि आईज़ की जो है बेस अच्छी बन जाए और फिर आई मेकअप उस पर अच्छा लगे, ठीक है। अब वो वही वाइट शेड लेकर उस पर जो है काम कर रही है। उन्होंने ले लिया है पिंक शेड, जिससे वो बाउंड्रीज बना रही हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग इज सीरियसली अ की, ब्लेंडिंग जो है वो एक की है, ठीक है। उन्होंने ब्लेंडिंग की, उसके बाद जो है उन्होंने पिंक कलर के बाद उन्होंने आई थिंक कट क्रीज किए मिस रोज़ के कंसीलर से, उन्होंने कट क्रीज कर दी अच्छे से, ताकि अच्छे से वलीमा लुक दे दें। अच्छा बेसिकली दिस वाज अ वलीमा लुक, ठीक है। बारात लुक जो है वो मेरी इंस्टाग्राम IGTV पे है और वलीमा लुक ये है जो ये क्रिएट कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच हीना मेकअप स्टूडियो, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। कट क्रीज करने के बाद उन्होंने नेकेड फाइव की पैलेट से गोल्डन शेड लिया और उसके बाद गोल्डन शेड आपको दिखा देंगी वो कि वो कौन सा गोल्डन शेड था, ये देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने अच्छे से कट क्रीज के ऊपर ये गोल्डन शेड लगा दिया एंड इट्स लाइक अ गोल्डन कॉपर शेड, ठीक है। सो इसका अगर आपको शेड का नाम जानना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं, वहाँ जाके देख लीजिए हाइलाइट्स में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे ग्लैमरस का जेल लाइनर लगाया है, ठीक है। लाइनर लगाने के बाद उन्होंने लाइनर को ही अच्छे से एज अ ब्लैक शेड ब्लेंड भी कर दिया उन्होंने, ठीक है। मेरी आवाज़ बहुत ही बुरी हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इतना गंदा वॉइस ओवर किया। उसके बाद उन्होंने मेरे लगाया ब्लू शेड और उसके बाद आई थिंक दोबारा से लाइनर लगा रही हैं। यस शी इज़ डूइंग माय आई लाइनर, ठीक है। वो उन्होंने ग्लैमरस का जेल लाइनर लिया था, उससे लगाया था उन्होंने और बहुत ही अच्छा सा उन्होंने लाइनर लगाया था। सो इट्स बेसिकली पिंक ब्लू ब्लैक एंड गोल्डन, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या कर रही हैं ये अच्छा कंसीलर से और अपर आईज जो आईब्रोज के नीचे वाला एरिया होता है उसको कवर कर रही हैं, बिकॉज़ वो ऐसे अजीब सा लगता है जब आपका वो आई शेड उस पर पड़े हुए हों, तो वो कर रही हैं। आई एम सॉरी, बहुत गंदा वॉइस ओवर दे रही हूँ मैं, बट नो केयर्स एट ऑल। सब कुछ समझ आ रहा है कि मेकअप क्या हो रहा है, तो पर्पस इज़ कि आपको मेकअप समझ आए। उसके बाद मैं अपनी आई पे जो है पीछे से मेरी बहन गई थी, सॉरी, वाइट आई पेंसिल लगा रही हूँ, हुदा ब्यूटी की वाइट आई पेंसिल। तो इसके बाद उन्होंने ब्लैक लाइनर लिया और वो भी अंडर आई लगा दिया। अंडर आई को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिंक शेड लेके बॉम्बिंग शेड लेके उन्होंने लगाया और आँखों के नीचे की वो कंसील कर रही हैं, ठीक है। अब बारी आती है फेस मेकअप की बेसिकली, तो अब वो जो है मेरे अंडर आई कंसील कर रही हैं और पूरा फेस जितना भी है डार्क एरियाज वगैरह उसको कंसील कर रही हैं। उसके बाद उसको ब्लेंडिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो यस, शी इज़ डूइंग दैट एंड बहुत स्टेप बाय स्टेप दिखाया है। उसके बाद मेबेलिन फिट मी और शेड है उसको 130 उन्होंने अच्छे से फिट मी का जो है फाउंडेशन लगा दिया। उसके बाद फाउंडेशन लगाने के बाद ब्यूटीफाई बाय आमना के ब्रश से उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं। अच्छा वलीमा मेकअप थोड़ा सा ना प्यारा होता है, तो यस आई एम लुकिंग प्रीटी, थैंक यू सो मच। उसके बाद उन्होंने ग्लैम गर्ल बाय मेविश की पैलेट लेकर जो है उन्होंने मेरे मुंह पर बेस लगा दी थोड़ी सी उसकी, बिकॉज दैट वाज माय शेड टू कवर इट, सही। तो उन्होंने वो लगाई थी। अच्छा मैं बातें बहुत करती हूँ, सॉरी, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, तो आई लव टू टॉक। उसके बाद वो कॉन्टोर कर रही हैं, कॉन्टोर द एरियाज दैट आर सो
प्रोमिनेंट, सो उसको जो है वो कॉन्ट्रोल कर रही हैं। कॉन्ट्रोल करने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रोल ब्यूटी ब्लेंडर से किया और बाकी फिनिशिंग जो है वो बाद में देंगी। उसके बाद वो सेटिंग पाउडर लगा रही हैं, एस्टी लॉडर का सेटिंग पाउडर लगा रही हैं वो। और उसके बाद जो है देखते हैं कि आगे क्या होता है। तुरुन तुरुन तुन 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 तुरुन तुरुन तुन तुन। इसके बाद उन्होंने कलर इंस्टीट्यूट की कॉन्ट्रोल पैलेट लेके मेरे कॉन्ट्रोलिंग की कर दी, जॉ लाइन और चिक बोन्स एंड नोज कॉन्ट्रोल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेकअप, सही है वो। उन्होंने कॉन्ट्रोल करने के बाद उन्होंने एस्टी लॉडर की पैलेट लेके उससे ब्लशन लगाया, पिंक ब्लशन, इट वॉज पिंक ब्लशन, ठीक है, पिंक ब्लशन लगाया उन्होंने। और मुझे भी बहुत ब्लशन पसंद है और उनको भी बहुत पसंद है, तो हमने बहुत ज़्यादा ब्लशन लगाया। देन वी टुक हाईलाइटर एंड पुट इट ऑन हाईलाइटर, बिकॉज हाईलाइटर के बगैर मेकअप जो है वो इनकम्प्लीट लगता है टोटली। उसके बाद उन्होंने हाईलाइटर लगाने के बाद जो है लेट्स सी उन्होंने आगे क्या किया। स्टे ट्यून्ड टू नो मोर और पिक्चर्स के लिए इंस्टाग्राम पे जाओ। उसके बाद उन्होंने सेटिंग स्प्रे भी लगा दिया था बाय द वे मिस रोज़ का। उसके बाद उन्होंने लिपस्टिक के लिए ग्लैम गर्ल बाय मैविश की नाइट ग्लैम पैलेट में से पिंक शेड लगाया, ठीक है। और उसके अच्छा मैं नाइट ग्लैम बाय मैविश की पैलेट का आपको शेड बता दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और देन मैं अपनी आईज़ जो हैं वो कर्ल कर रही हूँ। आईज कर्ल करने के बाद उन्होंने मेरे मस्कारा लगाया और मस्कारा के बाद जो है उन्होंने लैशेस लगाई थी। तो यहाँ लैशेस लगेंगी, ये लैशेस लगाई उन्होंने, 5 लैशेस थी हैं। तो लैशेस के लिए आई विल ऑलवेज केयर बिकॉज बोझ लगता है आँखों पे ना। तो आपने मेरे बाकी ट्यूटोरियल में भी देखा होगा कि मैं लैशेस नहीं लगाती बिकॉज मुझे एक बोझ लगता है, और वैसे सच्ची बात है मुझे लगानी भी नहीं आती। सो लैशेस लगा के पूरे 5 मिनट मुझे बैठना पड़ा एंड या दैट्स इट, आई एम रेडी नाउ। अब मैं अपनी झुमके शुमके पहन लूँ और झुमके शुमके पा के यू नो मतलब आई एम रेडी नाउ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको मेकअप कैसा लगा एंड डू चेक हर प्रोफाइल टू। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।